तरीके से लगातार से ही जो सादरा जोन चेयरमैन है जो यमुना विहार बार्ड को जो एक मॉडल रूप में बनाने की बात कर रहे हैं, इसी के चलते वो लगातार कभी स्वच्छता का दौरा करते हैं तो कभी जो सूखा और गीला कूड़े की बांटी जाती है। इसी के चलते यमुना विहार में आज से पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरफ से इस तरीके से एक वैक्यूम क्लीनर लॉन्च कर दिया गया है जिसको स्वीप मशीन कहा जा रहा है, जो कि कूड़ा कबाड़ा जो अपने अंदर मशीन में लेगा। जो हमारे साथ कर्मचारी हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेट करेगी। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से ऑपरेट करेगी और इसका मशीन का नाम क्या दिया गया है? इस मशीन का नाम गुरुड़ है, इसको ऑपरेट अपने ही ढंग से किया जा सकता है। मतलब कि इस मशीन में कोई ज़्यादा चलाने का कोई वो नहीं है, इसमें चार पैक हैं जो मशीन को अपने ही ढंग से ये काम करती है, जिसमें कि ये देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक मिनट इसे खोलेगा। ये इसका पाइप है और इसके अंदर जैसे कि एक ये पैक है, जब ये मशीन भर जाती है तो इस पैक में सारा कूड़ा आ जाता है। इस पैक को हम निकाल के दोबारा दूसरा पैक लगा के दोबारा ऑपरेट कर सकते हैं। जब ये मशीन ऑपरेट हो जाती है उसके बाद में जितना भी कूड़ा होता है, जितनी भी गंदगी होती है, ये अपने अंदर अपने आप खींच लेती है। इसको अभी हम आपको डेमो करके दिखाएंगे जिस तरीके से इसका डेमो। और ये एक घंटे में दो लीटर पेट्रोल खाती है। तो बात की जाए किस तरीके से ऑपरेट होगी, बटन भी दिए गए हैं कई तरीके के, और इसको लेकर किस तरीके से आप चलाया जाएगा इसको? देखिएगा, ये जो मशीन है इसमें पहले तो ये दे रखा है कि इसमें जो आपका बैटरी बैकअप कितना होना चाहिए, फिर उसके बाद में ये पेट्रोल का है कि पेट्रोल डीजल हमारे पास कितना ही है, इसका टेम्परेचर है। इसके बाद में आपका देखेंगे तो ये पेट्रोल है, डीजल है, इसमें डीजल है। इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो इससे दो बार पुश करने पे मशीन अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, और जब इसको ऑफ करेंगे तो दो बार इसको ऑफ करेंगे जब मशीन अपने आप ऑफ हो जाएगी। जब ये ऑफ हो जाएगी तो ये दो से तीन मिनट का टाइम लेती है स्टार्ट होने में। स्टार्ट होने के बाद जितना भी गंदगी पड़ी होती है, कूड़ा पड़ा होता है, उसको जस्ट कुछ ही सेकंडों में अपने अंदर खींच लेती है। अच्छा, बात की जाए तो इसमें कितना कूड़ा एक बार में इकट्ठा हो सकता है? इसमें एक बार में कम से कम 40 से 50 किलो कूड़ा इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, बात की जाए इसमें जो एक रुकावटें भी आ रहे हैं, जो पत्थरे होते हैं और जो बड़ा जो मोटा वो होता है उसको नहीं उठाया जाएगा, किस तरीके से? देखिएगा, इसमें 4 से 5 किलो तक का जो पत्थर होता है वैक्यूम अपने आप खींच लेता है, और उससे अधिक का जो पत्थर होता है वो इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पाइप छोटा है और इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई पावर की है। अगर पत्थर इसमें ज़्यादा मोटा होगा तो बीच में अटक जाएगा और पाइप फटने का, और जो हमारे पैक हैं वो फटने का भी खतरा हो सकता है। बात की जाए जिस तरीके से यमुना विहार बार्ड को मॉडर्न बनाने की बात की जाए तो इससे कितना कारगर साबित होगा? देखिए, काफ़ी सक्सेसफुल मशीन है, क्योंकि कल हमने इसे ऑपरेट किया था और कल हमने इसका डेमो भी लिया था, तो हमने मान के चलिए कि 1.5 किलोमीटर का हिस्सा इससे क्लीन किया था, और काफ़ी सक्सेस मशीन है ये। अच्छा, बात की जाए कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से मशीन चलती है तो एक बेरोजगारी जो MCD में कर्मचारियों की जो कार्यशैली है उस पर ही प्रभाव डालेगा? नहीं, उस बात को तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर टेक्नोलॉजी होगी हमारे पास तो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे जो कर्मचारी है वो 2 या 3 कर्मचारी लगते हैं, और वैसे भी इस मशीन पे 2 या 3 कर्मचारी लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी आने पे कोई कर्मचारी में फर्क पड़ेगा। इसके भी साथ बात करते हैं, बड़ी गलियों में तो कामयाब रहेगी लेकिन छोटी गलियों में किस तरीके से इसे चलाया जाए? नहीं, छोटी गलियों में कामयाब के लिए नहीं, क्योंकि इसको कम से कम 20 से 30 फुट का रोड चाहिए, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है आप दिखा सकते हैं इधर, इसकी जो चौड़ाई है जब हम इसे चलाएंगे तो इसकी चौड़ी जब ये चलेगी तो आसपास की जो जगह है वो कम होगी, और किसी भी गाड़ी में या किसी भी घर में लग के हमारा नुकसान हो सकता है। जिस तरीके से आपने सुना कि जो कि सफाई कर्मचारियों ने बताया किस तरीके से मशीन ऑपरेट होगी और पूरा ही सिस्टम लगभग 5 से 10 सेकंड के अंदर ही कूड़ा जो है पूरा मशीन में चला जाएगा वैक्यूम क्लीनर के माध्यम से, और यमुना विहार को एक स्वच्छ बार्ड और मॉडर्न बार्ड के तरीके से जो सपना देखा जा रहा था वो जल्द साकार होगा। कैमरामैन प्रिंस सोलंकी के साथ संदीप कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली।